No naughty parliamentarian, Darbari and Jayala. Next up, Adiala. Rok sako to rok lo, tabdili aayi. Phir ye whistleblower protection aur vigilance ka bhi bill pass kiya hai. Zahir hai un logon ki protection ho. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इकोनॉमिक के हिसाब से इन्होंने कोई इकोनॉमिक पैकेज बनाया है फॉर द रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये सबसे इम्पोर्टेंट. अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो एक इन्होंने न्यू टैरिफ पॉलिसी अनाउंस कर दी, सही, और इसके ऊपर काम भी चल रहा है. फिर बैकलॉग ऑफ रिफंड्स एंड रिबेट, जो ज्यादा चार्ज हो जाता है रिफंड होते हैं उसके ऊपर काम चल रहा है. इसमें जो पार्ट है हमारे पास टेक्सटाइल, कारपेट्स, लेदर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको रिबेट्स दिए गए 8.741 बिलियन के, तो इनको रिलीज कर दिया गया. ये क्या है हमारे पास, अगर इसको हम देखें, हम लोग इसको कहते हैं ट्रेजरी सेक्टर और ये पाकिस्तान में जाहिर है अगर इसको पता हो कि सियालकोट जो था हमारा एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा मशहूर था और इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए सर्जिकल के लिए खास तौर से, लेकिन इसको भी मद्देनजर रख रहे हैं. कभी कभार हम इसको क्योंकि छोटे पैमाने पर हमारे यहाँ कारपेट्स वगैरह अगर आपने देखा हो घर के अंदर भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं तो हम लोग इसको कभी कभार इसको इन्फेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर टैरिफ पॉलिसी भी वो अनाउंस कर रहे हैं तो वो इन्फेंट इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए की जा रही है. अब क्या हर चीज सब्सिडाइज के ऊपर है. गैस प्राइस उनको क्या दी जाती है भाई, 6.5 डॉलर्स रिड्यूस रेट के ऊपर दी जाती है. लेकिन अगर हम ये कहें कि मैन्युफैक्चरिंग वालों को कम पे दी जा रही है, लेकिन थ्रू आउट दी कंट्री गैस प्राइसेस कैसे हो गई, हाइक हो गई, तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया. और अभी आप देख भी रहे हैं कि एसएसजीसी की जो सप्लाई है कराची में वो बंद कर दी गई है काफी दिनों से, तो वो प्राइसेस तो जाहिर है हाइक है, सही, 104 रुपए चल रहा है गैस की प्राइस और फर्स्ट टाइम है कि इसने 100 क्रॉस की. तो आप इसके ऊपर ये बात कर सकते हैं कि परहैप्स दे आर प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स एट द कॉस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक. कितने मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग सफर हो रहे हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस उनको रिड्यूस रेट पे दी जाए, रिड्यूस्ड है, सही, 3 पर यूनिट. फिर इसी तरह पावर जो है, पावर टैरिफ जो है और जो जीरो रेटेड गुड्स हैं, जीरो रेटेड जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स है उसको 7.5 सेंट्स के ऊपर दिया जा रहा है पर किलोवाट आर, तो ये भी एक चीज रिड्यूस. मैं इकोनॉमिक का इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक वो चीज है कि हम लोग सभी कहीं ना कहीं इसको अपने आंसर्स के अंदर कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड करके हम डाल सकते हैं, सही. अब जो टॉपिक आता है वो हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, जो टॉपिक है मेन वो ये है कि इस पाकिस्तान गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इस पाकिस्तान मेकिंग प्रोग्रेस अंडर डेमोक्रेसी कुछ भी, तो ये सब चीजें जो है ये सब पॉइंटर्स आपके काम आएंगे, सही. तो मैं जो चीज इस चीज में इसलिए डिटेल में गया हूं थोड़ा बहुत वो इसलिए कि एक तो जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उस पर भी हम कर सके, लेकिन जो मेन हमारा एस्पेक्ट है वो ये है कि हम इसके पॉइंटर्स को हर जगह इंक्लूड कर सके. अब हम बात करते हैं एफबीआई रिफॉर्म्स की, सही. तो सबसे पहले तो उन्होंने वही किया जो कि एक्सपेक्टेड था कि क्रैक डाउन, जो लोग टैक्स अवॉइड कर रहे तो इसकी मद में 3000 नोटिसेस इशू कर दिए, सही है, और 20,000 इन्होंने नॉन फाइलर्स को आइडेंटिफाई किया है जो बड़ी पार्टीज है. और बड़ी पार्टी से यहाँ पे मुराद है जो कि हाई वर्थ या हाई नेटवर्थ जो क्लाइंट्स कहलाते हैं,
उनको कंसिडर किया है। फिर अल्टरनेटिव एडीआर का कहा आपने नाम सुनो तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको एक्टिव कर दी, ठीक है, ताकि सेटलमेंट जो है वो एक्सपीडाइट हो सके। फिर क्या कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर। अब एक लेमैन के लिए ये बात समझना कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या चीज है, क्योंकि जिसने अगर ऑडिटिंग वगैरह पढ़ी है तो उसने जो इंटरनल कंट्रोल्स के बकायदा सेक्शंस पढ़े हैं आईएसए के अंदर, सही। लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली ये है कि अगर आपका ये सिस्टम है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो आप अपने अंदर के कंट्रोल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई और जो है इसके अंदर कोई नेगेटिव बात या कोई इसके ऊपर मिसहैप वगैरह ना हो सके, यानी कोई फ्रॉड ना हो सके ना मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस कोई हो सके। तो ऑडिटिंग में तो बकायदा इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने का सेक्शन रखते हैं, मेरे ख्याल से 315 है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर से इन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बात की है। और इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर ये कहते हैं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये एक बड़ी बात है। और फिर ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो होगा वो सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी एफबीआर के अंदर थ्रू आउट, और एक एटमॉस्फेयर कायम की जाए कि इंटेग्रिटी रहे इंटेक्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर काम। फिर इसी तरह इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो ये है कि जो आईटी का डिपार्टमेंट है उसको इन्होंने डिजिटलाइज किया, और डिजिटलाइज करने का ये मतलब है कि इसको वो हाई परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं, सही। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी दो चीज़ों को सेपरेट करने का जो सबसे बड़ा है वो यही बात है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इन चीज़ों से बचा जा सके, ठीक। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी, ये चीजें होंगी, जिसकी वजह से ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि उन्होंने एफबीआर रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने स्टार्ट की है। ऑफशोर क्लाइंट्स का क्रैकडाउन कर रहे हैं, क्रैकडाउन ऑफशोर क्लाइंट्स का भी हो रहा है, सही। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में सबसे पहली बात क्या है, स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, स्टंटेड ग्रोथ जो बच्चों में होती है, क्योंकि जाहिर अगर हम अपना एचडीआई इंडेक्स देखा जाए तो एचडीआई में पाकिस्तान जो है वो सबसे बुरा है, सही। अभी रिसेंटली साउथ एशिया वगैरह की जो रैंकिंग्स आई है वो बांग्लादेश उसमें काफी ऊपर चला गया है और पाकिस्तान इज एट अ बॉटम। तो स्टंटिंग को रिड्यूस करने के रिफॉर्म पे 43% है, इस वक्त उन्होंने कहा है कि 30% तक 2023 तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। रिलीफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को प्रोवाइड करें पीएलडब्ल्यूज, या हमारे पास जो फेमिनिज्म टॉपिक है उसके अंदर भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें जरा जरूर देखनी, और फेमिनिज्म के अलावा ये जो सब है ये हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक में प्रोवाइड पुट कर सकते हैं। 6 to 23 months के जो चिल्ड्रेन है उनकी अक्सर डेथ हो जाया करती थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो अक्सर अगर आपने स्पीच भी सुनी हो तो उसके ऊपर काफी जिक्र हुआ था। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को भी डिक्लाइन करने के ऊपर काम चल रहा है। इस वक्त जो इन्होंने नोट किया है वो पीएलडब्ल्यूज की 2 मिलियन जो हमारी खवातीन है वो उसमें सफर होती है उसके ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट किया है। सिमिलरली ये जो है ये फर्स्ट 1000 days का, तो ये सब चीजें जो है ये फर्स्ट 1000 days के अंदर इन्होंने कहा है कि ये हम करेंगे। डीआईएसपी की कैपेसिटी बढ़ा रहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, सही। एक होते थे हमारे पास कंडीशन कैश ट्रांसफर, तो वो लोग जो उसमें हैं उनको निकाल कर उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो अनकंडीशन जिनको है वो आके ऊपर वाले उसमें आ जाए कैश प्रोग्राम। ये एक्सपेक्टेड है 2023 तक, सही। इसी तरह जो बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी है इसको भी रिड्यूस करें 2 मिलियन बच्चों के ऊपर। इसी तरह स्कूल्स ओपन करने का है,
काफी बातें हैं उसमें, स्कूल्स ओपन किए जाएंगे, सही स्कूल्स की डिवीजन सही होगी। अभी रिसेंटली डॉन के अंदर न्यूज भी आई थी कि जाहिर है कि जो एजुकेशन है वो ये है कि दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द एजुकेशन ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, के उनके एरियाज के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स ही नहीं है, एरियाज लैकिंग पब्लिक स्कूल्स, तो वो कहाँ भेजे? और प्राइवेट स्कूल्स है एरियाज में, जाहिर उनकी जो कॉस्ट है वो एक्सट्रीमली हाई है। तब्दीली आई रे तू काला करप्टों का देता है दुहाई रे।